ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये भी मॉडर्न फिजिक्स का ही क्वेश्चन है जो उसी दिन उसी टाइम पर पूछा गया था। मतलब आपकी मॉर्निंग शिफ्ट में मॉडर्न फिजिक्स के दो क्वेश्चन पूछे गए थे जो अभी अपन एक पहले सॉल्व कर चुके हैं, और ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम ट्रांजिशन एन इज इक्वल टू 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 एन इज इक्वल टू वन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कि आपका एक रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है कब, जब हाइड्रोजन में एटम इलेक्ट्रॉन कहां से, सॉरी हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, टू से एनर्जी लेवल टू से एनर्जी लेवल वन पर जा रहा है। तो वो जो रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, फॉल ऑन हीलियम आयन, हीलियम आयन पे फॉल हो रहा है। जबकि वो हीलियम किस स्टेट में, या तो एन इज इक्वल टू वन स्टेट में है या फिर एन इज इक्वल टू टू स्टेट में है, ठीक है। द पॉसिबल ट्रांजिशन ऑफ हीलियम आयन, मतलब हीलियम आयन का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से किस ऑर्बिट तक जा सकता है जब वो हाइड्रोजन से जो रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। तो मतलब कि पहले तो हमको क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है जो कि हाइड्रोजन एटम से आपको मिल रही है, ठीक है। तो आप अच्छे से जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर माइनस 13.6 वन अपॉन, सॉरी हाँ माइनस 13.6 वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर, ये आपकी एनर्जी हो जाएगी जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिट होगा, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब यहां पर एन वन की वैल्यू क्या दी है, वन, और एन टू की वैल्यू क्या दी है, टू। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 13.6 इंटू वन अपॉन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू का स्क्वायर। तो जो एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वन माइनस वन बाय फोर, ठीक है। तो ये ई बराबर क्या हो जाएगी, और सॉल्व करते हैं तो 13.6 इंटू फोर माइनस वन अपॉन फोर, दैट इज ई इज इक्वल टू 13.6 इंटू थ्री बाय फोर। अब यही एनर्जी किस ट्रांजिशन में प्रोड्यूस होगी ये आपको निकालना है। आपको बोला गया है जो हीलियम है वो किस स्टेट में, या तो प्लस वन स्टेट में और या तो प्लस टू स्टेट में, और ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करता है तो आपका इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल पे जाता है। तो आपका कहां से आएगा, या तो टू से फोर, टू से फाइव, टू से थ्री या वन से फोर। तो ज्यादातर ऑप्शन में जो लोअर वैल्यू है वो टू है, तो पहले टू के लिए अपन चेक कर लेते हैं। हीलियम के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई बराबर 13.6 जेड स्क्वायर। जेड क्या होता है, आपका एटॉमिक नंबर। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, टू, टू का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। यहां पर वन अपॉन, पहले किसके लिए चेक कर रहे हैं, टू के लिए चेक कर रहे हैं, बाद में वन के लिए चेक कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन में ज्यादातर आंसर किस में दिए गए हैं, टू से दिए गए। तो टू स्क्वायर माइनस, फाइनल को अपन एन मान लेते हैं, तो वन अपॉन एन स्क्वायर, एन की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, ई इज इक्वल टू 13.6 इंटू फोर वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर। इस फोर को मैं अंदर ले जाता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ई बराबर 13.6 वन माइनस वन अपॉन फोर अपॉन एन स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को कंपेयर कर लेता हूं, क्योंकि ये भी एनर्जी वही है जो यहां पर पूछी गई, ठीक है। तो एन की वैल्यू मैं निकाल दूंगा, तो ये आपका आएगा क्या, 13.6 इंटू थ्री बाय फोर इज इक्वल टू 13.6 इंटू वन माइनस फोर बाय एन स्क्वायर, ठीक है। तो 13.6 से 13.6 कैंसिल, थ्री अपॉन फोर इज इक्वल टू वन माइनस फोर अपॉन एन स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, तो फोर अपॉन एन स्क्वायर बराबर वन माइनस थ्री अपॉन फोर, तो फोर अपॉन एन स्क्वायर बराबर वन अपॉन फोर, तो वन अपॉन एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन सिक्सटीन, ठीक है। तो वन आपका एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिक्सटीन,
तो एन बराबर क्या हो जाएगा, फोर। तो आपका इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पर ट्रांजिट करेगा, पहला आपने क्या माना टू और फाइनल आपने क्या माना फोर। तो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा कहां से, टू से फोर, जो कि आपका ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है।